तो भैया पिछले वाले फ्राइडे को हमने करवाया था अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरी में एक वोटिंग वाला सिस्टम। तो उसमें ज़्यादातर वोट सीओडी को पड़े थे अगली वीडियो के लिए। तो जब मैंने कही थी कि इस सैटरडे तो नहीं आ सकती वीडियो, लेकिन अगले सैटरडे मतलब जो सैटरडे अभी कल था उस सैटरडे को आएगी, लेकिन कोई बात नहीं, आज संडे है, आ जाएगी। और यहाँ पे एक बंदा आ गया, इसे भी पेल पाल दे रहा हूँ, तो मैं फिर आगे कहाँ सुनाऊँ। तो भाई क्या हुआ, पहले तो मैम इसे वीडियो को ऐसे इग्नोर करता है जैसे अपना होमवर्क किया करता था, लेकिन होमवर्क को ना करके काम चल जाए, लेकिन इसे करे बिना काम नहीं चल सकता इसे। फिर मैंने फाइनली उठ के मैंने सोचा चलो यार वीडियो बनाते हैं, बात होगी वेडनेसडे थर्सडे की। उस दिन मैंने देखा कि सीओडी का अपडेट आ गया, तो अपडेट करना तो जो भी था, मेरे घर पे वाईफाई है नहीं और ये एक और गया। ये बंदे तो आते रहेंगे ने पेलते पेलते, मैं तुम्हें इसके आगे की बात बताऊं। अपडेट करते करते भाई सैटरडे को अपडेट हुआ शाम को। अब भाई अपडेट करते मैंने सोचा क्या सैटरडे आ जाए, संडे को तो भाई कुछ भी हो जाए वीडियो गेनी अपने चैनल पर सैटरडे संडे को वीडियो आवे। और यार इतना ज़्यादा लैग तुम अब भी महसूस करोगे, देखो कितना लैग है, बिल्कुल भाई अटक रही है स्क्रीन। और उसके बाद भी मैं मार रहा हूँ, ये देखो भाई मेरे फ़ोन की गड़बड़ है, मैं इसलिए पीसी में खेलता हूँ, फ़ोन में खेलता क्योंकि भाई फ़ोन में बिल्कुल नहीं चल के देती है स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ। वैसे फ़ोन में सीओडी चलने में कोई खास समस्या है नहीं, लेकिन अगर स्क्रीन रिकॉर्डिंग करूँ ना मैं तो भाई वो नहीं चलती बिल्कुल भी। और भाई अब फ़ोन में ही रह गया सीओडी। तो यार इसलिए मुझे बताओ कि क्या मुझे वैलोरेंट खेलना चाहिए, वैलोरेंट का थोड़ा सा ट्रेंड भी चल रहा है, मैं डाउनलोड भी कर रहा हूँ। और यहाँ पे ऐसे ही करते करते मुझे मिल गई इसमें सुपर सोल्जर बनने की ताकत। अब मुझे चूज़ करना है इसमें ये रैन की और जोन मिशनरीज में से एक, जो भी नाम है इनका, यार ये नाम एक तो बड़े अजीब अजीब रखते हैं। तो खैर हम सुपर सोल्जर बन चुके हैं, मैंने रैन मैं कोशिश भी क्यों कर रहा हूँ भाई, बिल्कुल मतलब मैं अंदाजे से मार रहा हूँ, मुझे नहीं पता इस टाइम बंदा कहाँ है, बस अंदाजा है मेरा जिसके कारण मैं बंदे पेल दे रहा हूँ। तो यार इतने स्ट्रगल के लिए एक बार सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना तो बनता है। और यार इतनी ज़्यादा गर्मी है, मतलब यार आवाज़ रिकॉर्ड करने के लिए ना देखो भाई एसी है नहीं घर में, पंखा कूलर कुछ चला नहीं सकते क्योंकि आवाज़ रिकॉर्ड करने में तो फिर झा 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 ऐसी आई है कि भाई तुम्हारे कान फट जाएंगे। इसे भाई घनी गर्मी में बैठना पड़ रहा, पूरे पसीने आ रहे, बन जान पाए के बैठा वैसे मैंने क्यों बताया। मतलब इसके हाथ में यार चॉपर है दो दो, ये पता नहीं एग्जैक्टली चॉपर है फिर कोई और मशीन गन है, लेकिन यार सोचो दोनों हाथ में दो दो मशीन गन, कतई मौज हो रही है। और दबा दब दबा दब भाई बंदे पेले जा रहे हैं यहाँ पे, और अभी तक तुम्हारा भाई एक बार भी नहीं मरा, सोचो इतना लैग है। सामने भाई बंदे आ रहे हैं, बिल्कुल सामने सामने की फाइट चल रही है, इतने ज़्यादा लैग में भाई एक बार भी नहीं मरा तुम्हारा भाई। क्योंकि यार इसमें दो चीज़ों का हाथ है मेनली, एक तो ये मशीन गन काफ़ी बढ़िया है चॉपर, इसे मैंने काफ़ी ज़्यादा अपग्रेड भी कर रखा है। दूसरी बात यह है कि तुम्हारे भाई का अंदाजा भी ठीक ठाक ही है, आई एम ए प्रो प्लेयर। और यहाँ पे भाई दबा दब भाई कोई टेंशन की बात नहीं, एकदम से झटपट झटपट करके बंदे पेल दिए गए हैं कई सारे। और ये आएगा, मैं इससे भी बच्चा हूँ, ये सामने आ गया, मैं चल नहीं पा रहा भाई। ये तुम देख रहे हो जॉयस्टिक इधर की तरफ हो रही है भाई, मैं इधर मूव नहीं कर रहा अपने आप, लेकिन भाई अपने आप ही चले जाइए जॉयस्टिक इधर की तरफ भाई साहब, ऐसा लैग है ना। और भाई वो नहीं है मतलब पिंग विंग नहीं है इतनी हाई, ये सिस्टम लैग है सारा का सारा। पिंग तुम देख लो 100 110 के आसपास रह रही है नॉर्मली, ये कुछ ज़्यादा पिंग नहीं होती, लेकिन भाई सिस्टम लैग इतना है ना फ़ोन का बस बता नहीं सकता। और भाई ये सामने वाला सुपर सोल्जर, मैं सात आदमी और भाई से मारने मुझे काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गई है बेसिकली लैग की वजह से। और एक नहीं है दो दो सुपर सोल्जर हैं, तो चार कितना दबा के लगेगा, दो दो सुपर सोल्जर सामने आ गए, लेकिन भाई मरना नहीं है इन्हें, मैं अंदाजे से ही कर रहा हूँ। और भाई अच्छा खासा डैमेज कर दिया इन्होंने मुझे। और अब मैं थोड़ा सा यहाँ से साइडों को निकलने की कोशिश करूँ, लेकिन ये शायद मुझे निकल नहीं देने के। अरे यार मर जाओ ना, घनी दे ले रहे तो मरने में। खैर के पास में दो दो चोपर हैं, मेरे पास में एक ही है। और भाई फाइनली एक को तो टपका दिया, अब दूसरे को देखें। और मुझे इसे टपकाने के साथ में सुपर सोल्जर एबिलिटी भी मिल गई, मैं फिर से सुपर सोल्जर बन सकता हूँ, मतलब बिना मरे दो दो बार सुपर सोल्जर बन चुके हैं हम। उसकी क्या होता है, जैसे सुपर सोल्जर की बंदूक की गोली ख़त्म हो जाए ना, तो भाई फिर वो सुपर सोल्जर ही नहीं कर सकता, फिर वो एक आम सिपाही बन जाए। और भाई दूसरी बार मिल चुकी है हमें दो दो चौपर। भाई सामने से एक बंदा जाता हुआ दिख रहा है मुझे, कोशिश करूँ इसे ठोकने की, और तो भाई बिल्कुल पास आ गया, इसलिए क्या है उसमें पास आ गया ना थोड़ा सही सही से ना बैठ जाए, क्योंकि भाई लैग है। तो देखो जितने जल्द जितनी दूर होगा बंदा जितना ज़्यादा मूवमेंट करेगा लैग में उतनी ज़्यादा समस्या होगी किसी को पेलने में। और भाई यहाँ पे भी एक सुपर सोल्जर बन गया, मतलब जहाँ मैं नहीं हूँ वहाँ सुपर सोल्जर बने जा रहे हैं, मैं इधर था तो भाई दूसरी साइड दो दो सुपर सोल्जर बन गए, यहाँ पे मैं नहीं था तो भाई यहाँ भी एक बन गया। और शायद से उसकी सुपर सोल्जर एबिलिटी ख़त्म हो गई है क्योंकि इन दोनों में से कोई सा एक था, और ये मैंने दोनों टपका भी दिए जो सा भी सुपर सोल्जर हो। ये दोनों क्या थे आपस में लड़ रहे थे, मैंने थर्ड पार्टी करी। नहीं 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 ये सुपर सोल्जर एक ऊपर ही था, मुझे चमका नहीं, पता नहीं लैग वैसे पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे चमका नहीं है सुपर सोल्जर। और अब ये मेरे में बजाना देवे,
भाई चाहता उसे घिर गया मैं इतने तकड़े वाले लेग में। ओ यार साइड से गोली पड़ जाए लेकिन भाई मैं देख नहीं पाया साइड में भाई लैग, मतलब भाई पूरी की पूरी फौज बजाई थी साइड से। ओए भाई चोपर से ये सुपर सोल्जर में ठोके हैं सबसे पहले, क्योंकि भाई सुपर सोल्जर को मार के ना 300 पॉइंट मिले, और जैसे उसमें शायद 500 पे हुआ है, 500 पे सुपर सोल्जर हम भी बन सकें, और 300 मिल रहे हैं एक को मार के, तो भाई आराम से अपना टारगेट पूरा हो जाओ, जल्दी सुपर सोल्जर बन जाओ। और भाई सुपर सोल्जर वाला बटन तो दबा दिया मैंने, दूसरा वाला सुपर सोल्जर बन के ट्राई करते हैं, लेकिन गेम अटक चुका है और मैं नहीं मरा भाई, साइड से गोली पड़ रही थी यार मुझे, मैं नहीं मरा, बच गया शायद से। जब सुपर सोल्जर बना जब नहीं मर सकते, मे बी हाँ नहीं मर सकते जब साइड से गोली, मतलब सुपर सोल्जर में ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। और भाई ये भाई मजा ना यार, इसमें सिंगल चोपर ही मिली यार, मुझे फ़ायदा क्या हुआ सुपर सोल्जर बनने का इसमें? शायद से हाँ 500 गोली मिल रही है ना, शायद से ही फ़ायदा होगा सुपर सोल्जर बनने का, नहीं तो कुछ फ़ायदा तो हुआ नहीं। मैं पहले भी चोपर थी, अब भी चोपर है सिंगल, तो भाई ये कुछ ज़्यादा खास वो नहीं है, बस हाँ इसमें यह है कि गोली काफ़ी सारी मिल जाए, 500 गोली हैं टोटल, तो तुम ज़्यादा देर तक सुपर सोल्जर कर सकते हो, लेकिन भाई सिंगल चोपर मिलेगी। इससे बढ़िया दूसरा वाला बनाओ जो मतलब वो पहले नंबर पे है, जो भी नाम है भाई मैं ट्राई भी नहीं करने वाला आपकी बात, क्योंकि नहीं समझ में आता है अजीब गरीब नाम रखे यहाँ का, तो जहाँ तक है पूरा इलाका क्लियर हो गया। नहीं नहीं भाई दो दो बंदे हैं सामने, मैं मान भी कह सकूँ क्लियर हो गया। और भाई मैं अंधी गोली चला रहा हूँ, बिल्कुल लैग हो रहा है, मुझे कुछ नहीं पता मैं कहाँ मार रहा हूँ, बस कोशिश चल रही है पूरी की पूरी कि इन्हें ठोक दिया जाए, लेकिन नहीं, ये नहीं मर रहे, और एमओ भी खत्म हो गई, और एक मर गया भाई साहब। यार सही बताऊँ अगर लैग नहीं होता ना, मैं अब तक दोनों को कब तक का निपटा चुका होता, और ये दूसरा भी चलो खैर मर गया, लेकिन यार बड़ी समस्या हो रही है भाई लैग में गोली चलाने में। और सोच यार अगर ऐसे में स्नाइपर लेके आया होता तो क्या होता, एक भाई स्नाइपर में क्या हुआ है एकदम बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन चाहिए हुआ है बिल्कुल सही शॉट मारने में, लेकिन भाई इसमें तो लैग इतना है, इसमें चलो मशीन गन है तो इतनी धड़ाधड़ गोली चला जा रहा हूँ मैं, अब भैया अंदाजे से लग जा रही है थोड़ी बहुत, तो उससे मजा आ रही है बंदे। भाई पीसी में गिरना पड़ेगा मुझे सीओडी, तो यार वैलोरेंट का भाई तुम देखो कमेंट नहीं करते, सबसे पहली बात अभी कभी कमेंट कर दो कि वैलोरेंट में मुझे वीडियो बनानी चाहिए या फिर नहीं। मैं सोच रहा हूँ वैलोरेंट डाउनलोड कर रहा हूँ अभी, जैसे डाउनलोड हो जाएगा अगले हफ्ते बिल्कुल नहीं, लेकिन हाँ अगले हफ्ते तो असैसिन्स क्रीड वगैरह की आएगी। वेडनेसडे फिक्स है RDR2 के लिए, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ उसे जल्दी से जल्दी खत्म करूँ, देखेंगे मतलब एक दो हफ्ते में वैलोरेंट के बारे में, मतलब बताओ यार गेनी चाहिए नहीं वैलोरेंट की। वैलोरेंट जिन्हें जिन्हें नहीं पता कौन सा है तो मैं बता दूं, तुमने देखा होगा एक फ्यूचरिस्टिक सा गेम खेलते हैं मैं स्ट्रीमर, अजीब अजीब सी बंदूक नहीं होती, बस वही है, मैं तुम्हें गेम प्ले भी दिखा दूं थोड़ा सा वैलोरेंट का, मेरा नहीं है। मतलब अभी उसका काफ़ी ट्रेंड चल रहा है, मोर्टल स्काउट ये सब खेल रहे हैं, तो बताओ यार खेलूँ या नहीं मैं भी। और भाई दूसरी बार मर गया यार, मैं सोचा था मैं बिना मरे से पार कर दूं, और भाई कभी देता अगर लैग ना होता तो, लेकिन यार लैग 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 हालत खराब कर दी ने यार, दो बार मर गया मैं बिना मतलब ही, नहीं था मरने वाला नहीं था मैं। और भाई अभी भी नंबर वन पे ही अपनी पोजीशन बरकरार है, 3 किल्स चाहिए कुल, देखते हैं कितनी जल्दी हम 3 किल्स ले सकते हैं। पिछले दूसरा वाला यार 18 पे है, 9 का फर्क है अभी, दो बार मर के भी इतनी ज़्यादा लैग में भी। और ये क्या हुआ यार, उसकी तो 28 थी वो कह, फर्स्ट प्लेस, अच्छा तो ठीक है टाइम ख़त्म हो गया था, और 27-16 वो 16 थी 18 नहीं थी उसकी, भाई 11 किल्स ज़्यादा हैं, इतना लैग होते हुए भी दूसरे नंबर से। वैलोरेंट के बारे में कमेंट करके बताओ गेनी चाहिए वीडियो है नहीं। भाई आज की वीडियो में बस इतना ही मजा आया, तो लाइक कमेंट से सब्सक्राइब कर देना, मिलेंगे अगली वीडियो।